आइए जानते हैं अयोध्या से जुड़े रोचक तथ्य एवं इतिहास। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है। सरयू नदी के दाएं स्थित राम जन्मभूमि अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन 7 पवित्र स्थलों अर्थात सतपुड़ियों में से एक है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का एक नगर बताया गया है, जिसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या कई शताब्दियों तक सूर्य वंश की राजधानी रही। अयोध्या में आज भी हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर और पवित्र स्थित स्थल है। अयोध्या का इतिहास। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सतपुड़ियों में प्रथम स्थान पर की गई है। यह नगर श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने के नाते भारत के प्राचीन साहित्य व इतिहास में सदैव प्रसिद्ध रहा है। अयोध्या के बारे में कहावतें प्रचलित है, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ भरो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम लियो अवतार। अयोध्या का निर्माण स्वयं मनु ने किया था। वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ने स्वर्ग आरोहण से पूर्व अपने छोटे पुत्र कुश को कुशावर्ती नामक नगरी का राजा बनाया था। श्री राम के पश्चात उसके उत्तराधिकारी कुश ने कुशावर्ती को अपनी राजधानी बना लिया और अयोध्या उजाड़ हो गई। अयोध्या की दिनहीन दशा देखकर कुश ने पुनः अपनी राजधानी अयोध्या बनाई थी। महाकाव्य में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि कौशल राज्य का सर्व प्रमुख नगर था, जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था। अयोध्या नगर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में फैला हुआ था, जिसकी पुष्टि वाल्मीकि रामायण में भी करते हैं।